हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ तनु। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपनी आईलैशेस को कैसे लंबा बना सकते हैं और घना बना सकते हैं। और मैं आपको आज बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं बताऊंगी। अगर मैं आपको तामझाम बता दूंगी तो आप वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि अक्सर होता है कि आईलैशेस पे इतना कोई ध्यान नहीं देता है। अगर लंबी है तो ठीक है, अगर नहीं लंबी है तो कोई बात नहीं है, है तो नकली से काम चला लेंगे। लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो आपको नकली पलके लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% इफ़ेक्टिव है और आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, वो करना रोज़ पड़ेगा और मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जिसमें आपको कई सारी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा और फिर आपको अपने आईलैशेस पे लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको तामझाम बता दूंगी तो आप आज सोचेंगे यार कल कर लेंगे, कल अरे परसों कर लेंगे, तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको ऐसी रेमेडी बताऊं जिससे कि आपको तामझाम करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इजीली अपने पलकों पे लगाएं और अपनी आईलैशेस को लंबा बनाएं और घना बनाएं। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों के झड़ जाती हैं आईलैशेस, तो जगह जगह बाल भी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी आपके रीग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी, जल्दी से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। रेमेडी को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, रुकिए, दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। पहले है कैस्टर ऑयल और यह है ईयरबड, बस यही चीज़ चाहिए और आपकी आईलैशेस लंबी होंगी ही होंगी 100%। आपको करना क्या है, आपको कैस्टर ऑयल लेना है, थोड़ा सा इसमें लगा लेना है और इसके बाद अपने आईलैशेस पे अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो अपने आईब्रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आसान। और फ्रेंड्स, आपको ये करना कब है, रात में। आप ये रात में करेंगे तो आपके इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप दिन में तो ये लगा के नहीं घूम सकते, आप मेकअप करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप जब अपने चेहरे को रात में सारे काम से निपट जाए, आप अपने चेहरे को वॉश कर लें, आप अपना मेकअप जो है रिमूव कर लें, उसके बाद आप कैस्टर ऑयल को आप अपने आईलैशेस पे और अपनी आईब्रो पे लगा लीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं ऐसे जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे सिर्फ आईलैशेस और ये आईब्रो के लिए ही ठीक नहीं है, ये बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए मैंने आपको बहुत इजी सी रेमेडी बताई है, आप इसको अप्लाई करें और अपनी आईलैशेस को लंबा बनाएं। इससे क्या होगा, आपको नकली पलके लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वैसे भी अगर पलके लंबी होती हैं तो हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो इस तरीके से आप अपने आईलैशेस को लंबा बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो अब तो लाइक कर ही दीजिए। मुझे पता है आपने पहले लाइक नहीं किया है, तो अब लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और आप फ्रेंड्स मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।